गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी वालू। आप लोग सोच रहे हो आज मैं धूप में, बिकॉज ठंडी वापस आ चुकी है हमारी, चली गई थी अच्छी भली। तो फंक्शन की बात पे आते हैं, ये सब छोड़िए। तो फंक्शन है हमारे 4 वीक की गम्मत, आप सबने थंबनेल देख ही लिया होगा एंड हमारा ड्रेस कोड भी देख लिया होगा, येल्लो है। सो ड्रेस कोड की बात करें तो कौन क्या पहनने वाला है वो मैं आपको इस पूरे ब्लॉग में आगे दिखाऊंगी। अभी हाल फिलहाल फुलफुल रो रही है, देखो फुलफुल हाय। तो तैयारियां होती हुई शुरू, कल है संडे, कल है 4 वीक की गम्मत यानी छठी टाइप हमारे में होता है, वो आप देख लेना व्लॉग में क्या होता है। जिसको समझ नहीं आ रहा मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो तैयारियां हम शुरू कर रहे हैं, बना थोड़ा आईब्रो बनवानी है, आज मेहंदी लगवानी है। सो यस, मेहंदी भी अभी दोपहर में लगाएंगे, अभी 2 बजे, अभी तो 12:30 हो रहा है। अभी हम सब ऊपर आए, मुझे आईब्रोज बनवानी है, थोड़ा फेस क्लीन करना है। हाँ लिया, तो चलिए फटाफट अभी तैयारियां शुरू है, तैयारियां दिखाते हैं। बोलने का समय बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास, तब तक स्टे ट्यून। आप सबने देखा मैंने मेहंदी लगवा ली है, मैंने ये तो निकाल दी, देखते हैं उसका रंग आता है या नहीं आता, क्योंकि वो चावी की फिर आँखों वगैरह में जब फिटिंग करता है ना वो, इस वजह से। तो अभी आप लोगों ने जैसे देखा मेहंदी लगा ली, और आज मेरे पापा का बर्थडे भी है, 10 फरवरी, यस 10 फरवरी आज मेरे पापा का बर्थडे। तो उनको अभी हम लोग केक वेक मतलब नॉर्मल सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, दीपी हमारी तो नॉर्मल सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बनी सो रहा है। तो अभी एक केक लेने गए श्री राम और विशाल, तो अभी वो कटिंग करते हैं और हम आपको दिखाते हैं आगे चल के। चलिए, तो जैसे कि आप सबको पता है कल बनी का फंक्शन है, चुप रहे ना तेरा बाप उठ जाएगा। क्या कहना है, ये श्री राम का, ये मैं फाड़ने वाली हूँ इस ठंडी, आप लास्ट ये देख रहे हो, ये फट जाएगा ट्रैक, बनी सो रहा है। और ये कल मतलब हमारे फंक्शन, आप सबको पता है क्या फंक्शन है, तो उसके हम डेकोरेशन का सामान लाए, क्या है ये अब कल डेकोरेशन में ही आपको सब पता चलेगा। ये थोड़ा कुछ नेम्स है, और ये है बलून्स अंदर, ये ब्लू एंड वाइट बलून्स है, वो आपको हम कल बताएंगे, है ना। तो अभी हम चलते हैं बाहर, ये हमारे कोई आई हुई है जमुना दीदी, दीपी बहन को हमने बुलाया स्पेशल, दीपी बहन ने मेहंदी भी लगाई है, बहुत प्यारी लगाई है दीपी, बताइए ये स्पेशल लगा क्या। ये देखो 4 वीक की मासी है, इकलौती मासी यही है जिसको एक्साइटमेंट थी आने के लिए, दीदी। और ये हमारा दीदी 4 वीक की दीदी, बताओ दीदी, इसने भी लिखा है 4 वीक की दीदी, मैंने लिखा है अभी वो रचा नहीं, रच जाएगा। श्री राम ने भी कुछ लिखा था, KFC का बताओ, नेल पॉलिश भी लगाई है अभी, हमने तो लगाई नहीं है, देखो अभी देखते कलर कैसा आता है कैसा नहीं, सुबह मिलते हैं। चलिए बाहर हमारा देख लेना, केक का फेस तो रिवील कर बेटा, ये दोनों हसास कर रहे हैं। वाह ये क्या है, अच्छा जॉबी जॉबी हाँ सास कर रहे हैं, उसको बनाते नहीं आई, कुछ बनाते इसलिए हंसी आ रही है। अरे वो तो क्या, वो गाड़ी हिली तो हिल गई,
जब भी ये लोग हंस हंस कर रहे हैं वो मुझे बन गई हूँ ये खुद लगाओ क्या ये पैसा वसूल हो चुका है हमारा देखिए मुझे तो काम है कि किसी के बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर मामा हैप्पी बर्थडे तो हेलो गाइस तो आज है चार वीक के गम्मत आप सबको जैसे पता है तो यहाँ पर तो हो चुकी तैयारी ऑलमोस्ट 12:30 बज गए मैं सुबह से फ्री नहीं हुई थी इसमें व्लॉग नहीं ले सकी हूँ तो अभी यहाँ पे पैकिंग हो रहे लड्डू और पताशे क्योंकि ये नानी नाना बनने की खुशी में मेरे मम्मी पापा दे रहे हैं सबको मुँह मीठा करने के लिए लड्डू एंड पताशे लुक देखो और यहाँ पर मेरी मम्मी आज हमारे जो हम लोग नाश्ता रखने वाले हैं उसकी भी तैयारी कर रही है मिर्ची कटिंग कर रही है और नाश्ता है ढोकले सैंडविच ढोकला जो आप ज़रूर देखना और यहाँ पर दीपी भी हमारे अभी तक नहाई नहीं है कब नहाएगी क्या मालूम मैं दादी नई साड़ी पहनी आज तक देखो देखो और आप मैंने सबको बताया था येल्लो जैसे कि देखो ये येल्लो वो यहाँ पर येल्लो और अभी अर्धे तैयार हो रहे हैं देखते हैं बहुत मज़ा आने वाला है और मजा आएगी आज क्या क्या फंक्शन होते हैं अभी मैं बिल्कुल तैयार नहीं हुई हूँ हम दोनों को मैं और बनी किस तरह से भी बैठे हुए हैं नहा तो मैं ली हूँ बनी का नीलाना बाकी है फटाफट अब हम तैयार हो जाते हैं और डेस्टिनेशन मिलते हैं और वहाँ की लोकेशन कैसी तैयार हो रही है वो मैं अभी आपको इस आगे की क्लिप में ऐड करके बताती हूँ आ रहा हूँ अभी फिलहाल तो कृष्ण मंदिर आए थे ये डेकोरेट कर रहे हैं फूके लगा रहे कहाँ गया आइए अभी ये सब सजाया दरी और ये देख के पहले से दिखा ये लोग अभी कर रहे हैं तैयारी चार्विक का नाम भी लिखेंगे कि ऐसा सजाया इधर भगवान कृष्ण थोड़े फुग्गे अभी इधर रखे कुर्सियाँ सेटअप ये लोग अभी चार्विक का नाम फुला रहे चार्विक में ये थोड़ी याद है ये वेलकम है बोलता रहा हूँ मैं वेलकम है ये देखो वेलकम बुला रहे हो अच्छा हाँ तो बरोबर बरोबर एक ही पाइप है मैं तो ऐठा जुटा नहीं करूँगा ऐठा जुटा नहीं हाँ बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है ओए ओए जय श्री राम मंदिर भी बहुत जोरदार लग रहा है जय तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी आप देख सकते हो मेरा लुक आज का और हम लोगों ने सबने येलो पहना जैसे कि मैंने आप सबको बताया था तो चलिए मैं सबको मिलवाती हूँ सबको दिखाती हूँ सब कैसे लग रहे दादी हमारे मैन है दादी ने हमने पीला नहीं पहना है लाल पहना है देखो हमारे दादी ने और यहाँ पर श्रीराम हेलो श्रीराम और ये मेरा गोलू 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 बनी बॉय नरेंद्र मोदी ये मेरी मम्मी ये मेरी मासी और ये विशाल पीला और ये सब सामान है जो हमारी मम्मी देने वाली है बनी को सो फटाफट अरे पुल 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 हाय ये बहुत गंदी लग रही है हटा यहाँ पर सुनील पृथ्वी कोइंसिडेंस इसका भी येलो मैच हो गया दीपी और यहाँ पे बा सगुन सीता चाची हमारे और हमारे भाभी प्यारे देखो तैयार हो गए आज इनकी हल्दी चलो और यहाँ पर ये लड्डू भी तैयार हो गए चलिए चलते फटाफट निकलते बहुत देर हो चुकी हमें
अभी मेहमान आना चालू हो गए, चालू हो गए क्या, ऑलमोस्ट तो सभी आ ही गए। श्री राम बैठे हैं, ये बनी भी बैठा है, आ रखे हुए मौसा ने रखा है सब। पब्लिक पब्लिक पब्लिक, लियो लियो लियो, हिमांशु भी आया पीला, हाँ सब हो गया देखना, सब पीला ही पीला, पीला ही पीला, बहुत भीड़ अभी तो आएगा और आएगा। मामा ने ढोकले ज़्यादा लिया है हम लोग, शाम को भी बुलाया है, कह रहे थे अच्छा फंक्शन किया है, पब्लिक ज्यादा ले गई, आएगी पब्लिक, आएगी अभी आएगी, तो बच्चे टंकी में बैठे हुए, आई आई, नाश्ता भी रखा गया, चाय भंडार है, चाय भी रखी गई है, चाय नहीं सीधा, मेरा हाथ नहीं जाएगा।
इधर आ मैं आ रहा हूँ थोड़ा यूँ जा मुझे तो रुक जा वापस भी कर वो मुंह बना रहा पहले मुंह ही कर ब्लॉग में आ गए देखो देखो ये मेरे वो तो पढ़ती कर।
इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। नाश्ता का पता का बन रहा है पूरा ये सैंडविच ढोकला तिरंगा ढोकला।
Thank you.
पहले निशान दे फिर सो जा अरे कागज इधर इधर पड़ जा इधर पड़ जा इधर पड़ जा दादी पास थोड़ी देर पड़ जा इधर पड़ जा थोड़ी देर। तो गाइज यही था फंक्शन और फंक्शन पूरा बनी के नाना नानी और मामा की तरफ से था। तो मेरी तो तबीयत ख़राब हो चुकी है भाई, थक गए थे इतना। कैसा लगा फंक्शन? बनी के नाना नानी ने काफ़ी सारे गिफ्ट्स दिए उसको, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और काफ़ी सारे लोगों ने, सबने, सारे नाना नानी थे, सबने गिफ्ट वगैरह दिए और सब फुल सबने बहुत ही इंजॉय किया। होप सो आपको भी ब्लॉग पसंद आया होगा। इसे हमारे यहाँ गम्मत कहते हैं, मतलब नाना नानी की तरफ से होता है ये, गम्मत कहा जाता है। तो जिसमें कि आप लोगों ने देखा किस तरह से क्या क्या होता है, मतलब लड्डू प्रताशे दिए जाते हैं, गीत गाते हैं, यही सब होता है। होप सो आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फेवरेट पार्ट आपका ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ऐसे ही ब्लॉग में बने रहना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।